Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject is SS. We are conducting revision sessions for your SA 2 exam and this is my session number 3 for your revision. So, isse pehle aapko session 1 and 2 already mil gaye hain, aaj aapko session 3 and 4 milenge. So, session 3, jo aaj yahan hum conduct kar rahe hain, इस सेशन में मैं आपको सेमेस्टर 2 की बुक में से चैप्टर 1, 2 एंड 3 का रिवीजन करवाऊंगी. सो चैप्टर 1 है हरप्पा, चैप्टर 2 माय इंडिया क्लोथ्स एंड सॉरी फूड एंड क्लोथ्स, चैप्टर 3 माय इंडिया फेस्टिवल्स एंड डांस. तो इन सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग हम आज रिवाइज करेंगे इस सेशन में. चैप्टर 1 हरप्पा. हरप्पन सिविलाइजेशन यू ऑलरेडी नो, हमने जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन सेमेस्टर 1 की लास्ट चैप्टर को रिवाइज किया था तब हमने चार इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था. उसमें से जो इंडिया से रिलेटेड है वो है हरप्पन सिविलाइजेशन. तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन. ये सिविलाइजेशन है जो वो रिवर इंडस के पास डेवलप हुआ था. That is why it is also called Indus Valley Civilization. हरप्पन सिविलाइजेशन जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इन लोगों की हाउसेस, ज्वेलरी, पॉटरी, सील्स, इन सारी चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को खोज निकालते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. तो इन आर्कियोलॉजिस्ट को ये सारी चीजें मिली है तो इसके वजह से हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत पता चला है. इट वॉज अ वेरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन, बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन हुआ करता था ये. देन नाउ ये हरप्पन सिविलाइजेशन कहां पर होता था. यू कैन सी दैट द सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कवरिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान. आज के जमाने के इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज में ये फैला हुआ था हरप्पन सिविलाइजेशन. क्योंकि तब जो है इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज नहीं हुआ करते थे, एक ही हुआ करता था. तो हरप्पन सिविलाइजेशन मॉडर्न डे के अनुसार इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में इसके रिमेन्स जो है वो पाए गए हैं. मोस्ट ऑफ द सिटीज वेर नियर द रिवर्स. हरप्पन सिविलाइजेशन क्योंकि सिविलाइजेशन रिवर्स के आसपास होती थी तो हरप्पन सिविलाइजेशन की सिटीज भी रिवर इंडस के आसपास हुआ करती थी. इंपॉर्टेंट सिटीज वेर हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबागन, धोलावीरा एंड रोपर, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज है हरप्पन सिविलाइजेशन के. देन सिटीज, यहाँ सिटीज जो है हरप्पन लोग जो सिटी बनाया करते थे ये बहुत ही यूनिक टाइप के सिटीज हुआ करते थे एंड रिमार्केबल हुआ करते थे, बहुत ही यादगार सिटीज क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से की जाती थी. ये जो मकान बनाते थे वो ब्रिक्स से बनाया करते थे, ईंटों से. उस जमाने में भी ईंट का यूज किया करते थे. इन ईंटों को वो क्लीन नाम के जो एक होता है उसके अंदर बेक किया करते थे ताकि वो एकदम मजबूत हो जाए और बाद में इन ब्रिक्स से अपने मकानों को बनाया जाता था. ये मकान जो बनाते थे वो भी एक जैसे बनाया करते थे. कुछ मकान उस जमाने में भी टू स्टोरेड हुआ करते थे, दो फ्लोर के, उसको कहते हैं टू स्टोरे या डबल स्टोरे मकान हुआ करते थे. मकानों के बीचों बीच कोर्टयार्ड हुआ करता था, दैट इज ओपन स्पेस, ताकि वेल वेंटिलेटेड रहे, वेंटिलेशन अच्छी आती रहे, वहां पर धूप अच्छे से आए, रोशनी अच्छे से आए, हवा अच्छी तरीके से आए. देन ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी. ड्रेनेज सिस्टम जो है हरप्पन सिविलाइजेशन में, दैट इज द वे थ्रू विच द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस इज बीन फ्लश्ड आउट. मतलब कि घर के अंदर जो यूज किया हुआ पानी है उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोविजन करते हैं उसे ड्रेनेज कहते हैं. तो ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने में भी वो अनकवर्ड ड्रेन्स नहीं रखते थे, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम. देन स्ट्रेट रो में मकान हुआ करते थे और किसी भी मकान का जो मेन डोर है, एंट्रेंस है, वो रोड जो मेन रोड है उस पर नहीं हुआ करता था, साइड के रोड्स में ही हुआ करते थे.
So it was well planned cities. All the houses had sloping roofs और मकान भी slopes में ही रहते थे. क्यों? ताकि जो पानी है वो मकान के अंदर ना जाए, सारा पानी बहकर बाहर ही चला जाए, तो स्लोप पे हुआ करते थे. Then life of the people. यहाँ Harappans they were all very skillful craftsmen, builders, officials, traders, farmers, artisans. ये लोग बहुत ही skillful हुआ करते थे. यहाँ पर ये लोग जो है वो अपने records रखा करते थे. Then craft people were very skilled. The Harappan craft people बहुत ही skilled हुआ करते, बहुत अच्छे अच्छे crafts बनाया करते थे. They used clay and terracotta for making interesting objects such as jewelry, toys and utensils. Clay, जिसको terracotta clay, terracotta एक reddish brown clay होती है, उससे वो सारी चीजें जैसे कि खिलौने, jewelry, utensils, इन सारी चीजों को बनाया जाता है. Then उस जमाने में उन्होंने एक dockyard भी बनाया करता था. डॉकयार्ड एक ऐसी प्लेस है जहां पर शिप्स या बोट्स आकर रुकती है और वहां से डिपार्ट होती है, तो डॉकयार्ड हुआ करता था. ये लोथल नाम की प्लेस में आज भी हम देख सकते हैं. तो डॉकयार्ड वाज डिस्कवर्ड इन लोथल. देन दे हैड ट्रेड रिलेशनशिप. हरप्पन सिविलाइजेशन वाले को ट्रेडिंग के रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज में से भी बहुत सारे के साथ थे, जैसे कि मेसोपोटामिया जिसको हम आज इराक कहते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस भी हुआ करते थे. देन दे यूज सील्स. अलग अलग सील को यूज करते थे. सील मतलब जो सील आपको ऑलरेडी पता, आपके पास शायद स्माइली का या ऐसा सील हो, मगर उस जमाने में भी उनके पास सील हुआ करती थी, तो सील्स दे हैड. देन टॉकिंग अबाउट देयर गॉड, वो लोग जो है वो मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पशुपति. पशुपति मतलब गॉड ऑफ एनिमल्स, तो पशुपति मतलब पशु मतलब एनिमल्स, तो लॉर्ड पशुपति को बहुत मानते थे और गॉडेसेस को भी माना करते थे ये लोग. स्लोली एंड ग्रेजुअली द हरप्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइन. धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगी, खत्म होने लगी. वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट वाज द रीजन. The reason might be many. It is a mystery. It might be flood or earthquake. Could have also been destroyed the city. Flood, earthquake, ऐसे कोई natural calamity की वजह से भी शायद ये Harappan city destroy हुआ होगा. But ये किस तरह से हुआ, ये एक history है. We do not know. So this was all regarding Harappans. Next is My India food and cloth chapter number 2. इंडिया में अलग अलग किस्म की लैंड फॉर्म्स है. इन लैंड फॉर्म्स के ऊपर अलग अलग किस्म के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. क्योंकि लैंड फॉर्म्स अलग अलग है इसलिए यहाँ का क्लाइमेट, हर प्लेस का क्लाइमेट भी अलग अलग होता है, तो उस क्लाइमेट का भी असर होता है हमारे क्लोथिंग के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर. तो इसलिए इंडिया में अलग अलग किस्म के फूड भी है, अलग अलग किस्म के क्लोथिंग भी है. इंडिया में अलग अलग किस्म के फूड कौन कौन से हैं? जैसे कि सीरियल्स. सीरियल्स में कौन कौन से सीरियल्स आते हैं? जो मेन कोर्स में खाया जाते हैं उन्हें कहते हैं सीरियल्स. जैसे कि वीट है, राइस है, ज्वार है, ये सारे बाजरा, मेज, ये सारे जो है ये हमारे सीरियल्स है. गेहूं जिससे कि रोटी बनती है, राइस जिससे कि चावल बनता है, तो ये सारे जो है वो सीरियल्स है. दे आर मेनली ग्रोन इन स्टेट्स ऑफ राजस्थान. नॉर्थ इंडिया में जो है सीरियल्स बहुत सारे ग्रो होते हैं, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे सीरियल्स ग्रो होते हैं. दैट इज सीरियल्स सच एज बाजरा, मेज एंड ज्वार आर कॉमनली ईटन इन स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान के लोग इन सारे सीरियल्स को सबसे ज्यादा खाते हैं. और यहाँ सीरियल्स के साथ जैगरी, दैट इज गुड़ का यूज भी बहुत किया जाता है. देन ये था नॉर्थ इंडिया का. नॉर्थ इंडिया में वीट, ज्वार, बाजरा, इन सारे सीरियल्स को खाया जाता है मेन फूड की तरह. बट साउथ इंडिया का मेन फूड मतलब स्टेपल फूड, तो साउथ इंडिया का स्टेपल फूड है राइस. इसका क्या कारण हो सकता है?
क्योंकि साउथ इंडिया में बारिश ज्यादा होती है और राइस को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इसीलिए साउथ इंडिया में हैवी रेनफॉल्स है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वहां राइस सबसे ज्यादा ग्रो होता है। इसीलिए साउथ इंडिया का जो है वो मेन या स्टेपल फूड साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में राइस है। देन कोस्टल एरियाज यूज कोकोनट, लॉट ऑफ कोकोनट इन देयर फूड। कोस्टल एरिया में कोकोनट का यूज बहुत होता है अपने मेन फूड में। क्यों? क्योंकि कोकोनट ज्यादा ग्रो होते हैं जो कोस्टल एरियाज है वहां पर, क्योंकि वहां पर एक बाजू अरेबियन सी है, एक बाजू बे ऑफ बंगाल, तो वहां पर कोकोनट जो है बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। देन वेराइटी ऑफ पल्सेस आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। पल्सेस, पल्सर मतलब गुजराती में कठोड़ कहते हैं, तो ये पल्सेस बहुत सारे, जैसे कि आप मूंग खाते हो, मटकी खाते हो, ये सारे पल्सेस, देन राजमा है, ये सारे पल्सेस बहुत सारे ग्रो होते हैं इंडिया में। देन फूड में जब हम बात करते हैं तो फूड के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी आते हैं क्योंकि इनको भी खाया जाता है, और फ्रूट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अलग अलग वेराइटी के हैं, जैसे कि कश्मीर है तो कश्मीरी इज फेमस फॉर एप्पल्स, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। नागपुर जो महाराष्ट्र में, इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। देन अल्फेंसो मैंगो इज ग्रोन इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, अल्फेंसो मैंगो रत्नागिरी में ग्रो होती है। देन गोवा एंड केरला आर फेमस फॉर कोकोनट्स, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं। यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा ऐसे सीड्स भी ग्रो होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड सीड्स है या ग्राउंडनट है, कि जिनमें से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ऑयल को निकाल सके, तेल को, इनको ग्राइंड करके इनमें से तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, और फिर इस ऑयल को जो है इन कुकिंग में यूज किया जाता है। तो जिन सीड्स में से ऑयल निकाला जाता है उन सीड्स को ऑयल सीड कहा जाता है। देन अलग अलग जगह पर मैंने कहा कि अलग अलग फूड आइटम्स होती है, जैसे कि स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया अलग अलग है, उसी तरह अलग अलग चीजें भी फेमस है। जैसे कि इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया पीपल लाइक टू यूज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड पनीर। नॉर्थ इंडिया जो है यहाँ पर मिल्क एंड कर्ड से बनी हुई चीजें बहुत फेमस है, जैसे कि दही है, कर्ड या पनीर है। देन मक्के की रोटी, सरसों का साग इन नॉर्दर्न स्टेट में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर का हलवा एज अ डेजर्ट सर्व्ड इन विंटर में गाजर का हलवा बनाया जाता है। देन सदर्न स्टेट में इडली, डोसा, सांभर, अपन, स्ट्यू, रसम एंड पायसम, दे आर ऑल फेमस। देन ये सारी चीजें आज के जमाने में तो हम पूरे कंट्री में हमें मिल ही जाती है। देन फास्ट फूड जैसे कि नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चिप्स, ऐसी चीजें भी इंडिया में मिल जाती है। इंडिया इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, मसालों के लिए इंडिया बहुत फेमस है, क्योंकि इन स्पाइसेस को ऐड करके ही हमारे फूड में टेस्ट आता है और उस टेस्ट को एनहांस करता है, करेक्ट? तो मसालों के लिए इंडिया बहुत फेमस है। ये मसाले स्पेशली केरला में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और इनका प्रोडक्शन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। हॉट बेवरेजेस जैसे कि टी है, कॉफी है, इनका भी प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग फूड। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग, क्योंकि इंडिया में अलग अलग किस्म के लैंड फॉर्म्स है तो इस वजह से कपड़े भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में कोई रहता है तो अलग किस्म के कपड़े पहनेगा क्योंकि वहां पर बहुत ठंडी है। फिर प्लेन्स में अलग टाइप के कपड़े होते हैं, डेजर्ट रीजन बहुत गर्म होता है तो अलग टाइप के कपड़े होंगे। साउथ में अगर आप जाओगे, कोस्टल रीजन है, वहां भी अलग टाइप के कपड़े होंगे। तो इंडिया में अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, सारे लोगों के कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं। इन कपड़ों में अलग अलग टाइप में
ऐसा भी होता है कि सिर्फ रीजन से रिलेटेड नहीं, बट कभी कभी क्या होता है दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ ओकेशन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह में जाना है तो अलग टाइप के कपड़े, स्कूल या आपको जॉब में जाना है तो वहां के यूनिफॉर्म्स अलग होते हैं. देन अगर सीजन अलग अलग है तो अलग कपड़े हो जाते हैं. समर सीजन है तो लाइट कलर्स के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनना प्रिफर करते हो. विंटर सीजन है तो गर्म कपड़े विच कीप योर बॉडी वार्म, जैसे कि वुलन कपड़े हैं, स्वेटर, शॉल, जैकेट, इन चीजों को पहनना प्रिफर करते हो. रेनी सीजन है तो जो मटेरियल है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, या फिर ऐसा कपड़ा सिंथेटिक कपड़े के जो जल्दी से सूख जाए, इस तरह के कपड़े होते हैं. तो दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट काइंड. देन मेन के कपड़े अलग होते हैं, विमेन के कपड़े अलग होते हैं. द साड़ी इज द मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ क्लोथिंग फॉर वुमेन इन इंडिया. देन फॉर मेन इट इज दे नॉर्मली वेयर अ शर्ट एंड अ ट्राउजर. देन टी शर्ट्स आर ऑल्सो वोन बाय मेन. बाकी तो वो धोती, मुंडू, वेष्टी, ये सारी चीजें या कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं. लेडीज जो है वो साड़ी के अलावा सलवार कमीज, चूड़ीदार, कुर्ता, ये सारी चीजें भी पहना करती हैं. इन कपड़ों में भी अलग अलग किस्म के कपड़े होते हैं, जैसे कि उसके फैब्रिक अलग अलग होती है. कॉटन के कपड़े अलग, वुलन के कपड़े अलग, सिल्क के कपड़े भी अलग अलग होते हैं. तो टेक्सटाइल्स आर ऑल्सो डिफरेंट. तो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर के रिलेटेड. तो आज के सेशन में हमने चैप्टर टू का रिवीजन खत्म कर दिया. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3, माय इंडिया फेस्टिवल्स एंड डांसेस. इस चैप्टर में हम इंडिया में सेलिब्रेट करने वाले बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. इसमें नेशनल फेस्टिवल्स अलग आते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स अलग आते हैं. नेशनल फेस्टिवल 3 है, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर. ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल है, मतलब के पूरे नेशन में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियन. कोई भी रिलीजियन, किसी भी धर्म का इंसान हो, अगर वो इंडियन है तो ये 3 नेशनल फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करेंगे ही. नेक्स्ट, रिलीजियस फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी है, होली है जिसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है, रक्षाबंधन है, देन दशहरा जिसको विजयादशमी कहा जाता है. ये नवरात्रि पर आते हैं, नवरात्रि के 9 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, फिर 10th डे जो है वो दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है. दशहरा पर वेस्ट बंगाल साइड में दुर्गा पूजा की बहुत इंपॉर्टेंस है, दशहरा के दिन दुर्गा पूजा की जाती है. देन दिवाली विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. गुरुपुरब जो सिख लोगों की फेस्टिवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ये मुस्लिम फेस्टिवल्स है. क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ये सारे बहुत अलग अलग किस्म के फेस्टिवल्स जो अलग अलग रिलीजियंस के लोग सेलिब्रेट करते हैं. इन सारे फेस्टिवल्स में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हैं, करेक्ट? हार्वेस्ट फेस्टिवल किसे कहते हैं कि जब फार्मर्स अपने फार्म में क्रॉप ग्रो करते हैं और वो क्रॉप ग्रो होकर रेडी हो जाए और उनका कटिंग किया जाता है, तब हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं. तो इनमें से बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल थे. इन फेस्टिवल्स के अलावा बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, पोंगल दैट इज मकर संक्रांति, ओणम, बैसाखी, देन तीज, शिवरात्रि, छठ, बिहू, नवरोज, ये भी बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स हैं. देन टॉकिंग अबाउट डांसेस इन इंडिया, फेस्टिवल्स के अलावा यहाँ के लोग बहुत ही जॉयफुल पीपल है, तो अलग अलग किस्म के डांसेस भी है. यहाँ पर 2 अलग अलग किस्म के डांस है, दैट इज क्लासिकल डांस एंड फोक डांस. क्लासिकल डांस जो है इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है. फोक डांस जो है वो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत इसमें होती नहीं. क्लासिकल डांस में बहुत सारे हैं, जैसे कि कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथक
कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम। फोक डांस में तो बहुत सारे हमने ऑलरेडी पता ही है। फोक डांस में भांगड़ा, गिद्दा ये पंजाब से है, गरबा डांडिया गुजरात से, घूमर राजस्थान, लावणी महाराष्ट्र, छाऊ इन ओडिसी। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज से भी कुछ इन्फ्लुएंस होके डांस के फॉर्म्स आए हैं, जैसे कि बैले डांस, सालसा डांस, ये सारे डांस फॉर्म्स भी है। तो ये फोक डांसेस जो है इनमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये आप किसी भी शादी ब्याह बर्थडे पार्टी कहीं पर भी फोक डांस करते हो। बट क्लासिकल डांस ऐसे डांस है जहां बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और परफेक्शन के साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं डिफरेंट म्यूजिक के लिए। इंडिया में दो किस्म के म्यूजिक है, एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक विच इज फेमस इन द नॉर्थ इंडिया एंड कर्नाटिक म्यूजिक विच इज फेमस इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक, साउथ इंडिया में कर्नाटिक म्यूजिक। देन म्यूजिक में भी भजन, गुरबानी, कव्वाली, हाइम्स, ये सारे अलग अलग म्यूजिक्स होते हैं। और इन म्यूजिक्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो है शहनाई, फ्लूट, सितार, तबला, ढोलक, संतूर एंड मृदंगम। इन सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके म्यूजिक बजाया करते हैं। सो दिस वॉज ऑल द रिविजन ऑफ दीज थ्री चैप्टर्स फ्रॉम योर सेमेस्टर टूज बुक, दैट इज चैप्टर नंबर 1 हरप्पा, चैप्टर 2 माई इंडिया फूड एंड क्लोथ्स, चैप्टर 3 माई इंडिया फेस्टिवल्स एंड डांस। तो आज आपको पिछली बार जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिला था उसी तरह आज इसके साथ सेशन 3 के साथ सेशन 4 का वीडियो भी आपको मिलेगा और सब्जेक्टिव टाइप का पेपर मिलेगा। इसकी भी आंसर की अटैच की है, बट आई वॉन्ट यू कि आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए और फिर आंसर की में से आप अपना पेपर चेक कीजिए। अगर मिस्टेक्स हो रही है तो थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लेट मी टेक योर लीव नाउ। बाय।